गाजियाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत डाक विभाग, स्कूल शिक्षा एवं जिला शिक्षा केंद्र द्वारा पोस्ट कार्ड लेखन अभियान चलाया गया है और अभियान चरणवार चलाया जा रहा है। वहीं अभियान के अंतर्गत विद्यालयों के साथ ही सभी राज्य शिक्षा बोर्डों से संबंध स्कूलों सहित CBSE स्कूल के कक्षा 4 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे और पोस्ट कार्ड लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि पोस्ट कार्ड पर लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए छात्रों की तस्वीर गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित हेरिटेज एकेडमी की है, जहां पर करीब 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और सभी छात्रों ने पोस्ट कार्ड पर अपनी मन की बात को शब्दों में पिरो करके अपनी सोच को प्रकट किया और आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसा हो जो 2047 में मेरे सपनों का भारत पर पोस्ट लिख करके भारत के प्रधानमंत्री को संबोधित कर उन्हें भेजा है। वहीं अधीक्षक डाकघर मुरादनगर पारुल राणा ने बताया है कि समस्त स्कूल प्राधिकारी की देखरेख में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सुनो जरा छात्राओं को। 75 साल हुए आज़ादी को, चलो फिर से एकता दिखाते हैं, आओ मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव संग मनाते हैं। अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, दिस इज नंदिनी शर्मा ऑफ हेरिटेज एकेडमी हियर टू प्रेजेंट माय वॉइस ऑन द ब्राइटली ऑनगोइंग फेस्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। यस, the whole nation is celebrating the 75th birth anniversary of independence and a well initiated program called Azadi Ka Amrit Mahotsav is widely spread all over the nation. 91 years back on 12th March 1930, Mahatma Gandhi started Dandi Yatra from Sabarmati Ashram, awakening the self-reliance and self-respect of the nation. And again, on this day in 2021, the symbolic Dandi Yatra was started by our Honorable Prime Minister with the marking of revival of self-dependency and self-worth with the beginning of Azadi Ka Amrit Mahotsav. This time, this is to gain independence and freedom from the degrading factors of our society and to recollect the scattered unity. Thank you. Morning everyone, myself Amaya Chaudhary from Heritage Academy. As today was our postcard writing competition, so we got the opportunity to write about the unsung heroes of freedom struggle. I would like to share a piece of my writing. There are many freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh and many more, but many freedom fighters are like who did not got spotlight. And my today experience was very good, and I got the opportunity to tell my views on my family, ancestors and freedom fighters. Thank you. Good morning all of you. Myself Vrinda Vasis from Heritage Academy. As today is a postcard writing competition, so I got the opportunity to express my views upon the topic that Vision of India in 2047. In my opinion, the poor people should got the authority to do their work and there should be no discrimination between rich people and poor people. And my tour experience was very nice and thankful. So what do you know about Azadi Ka Amrit Mahotsav? Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of progressive independent India. Through Azadi Ka Amrit Mahotsav, India is celebrating the glorious history of its people, culture and achievements. मैं पारुल राणा, SPM मुरादनगर बाजार से। हमारे पोस्ट ऑफिस के थ्रू आज़ादी के अमृत महोत्सव के उसमें कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि स्पेशली क्लास 4 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के लिए है। ये जो कैंपेन है इस बार थोड़ा डिफरेंट है, और दिन जितने भी ऐसे कॉम्पिटिशन वगैरह आपके होते थे वो स्पेशली पेपर्स वगैरह में होते थे, लेकिन इस बार का जो कैंपेन है वो आपके पोस्ट कार्ड में हो रहा है। बच्चे जो भी निबंध प्रतियोगिता लिखेंगे वो पोस्ट कार्ड में ही लिखेंगे, और आज मैं भी इस कैंपेन का हिस्सा बन के अपने को बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ। और मैंने खुद ही आज हेरिटेज एकेडमी मोदी नगर स्कूल में मैंने ये कैंपेन चलाया था, जिसमें कि 500 बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि टॉपिक ही इतना अच्छा था कि मैं खुद एक्साइटेड थी कि अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं खुद इस उसमें पार्टिसिपेट करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों को देख के कि उनके जो थॉट्स है आने वाले टाइम में क्या है, वो कैसा चाहते हैं कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव इतना अच्छा कैंपेन है, और इसमें जो टॉपिक है उसमें तो वो तो टॉपिक नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ख्याल इतने आ जाते हैं कि आगे आने वाला भारत हमारा कैसा होगा, और बच्चों के जो थॉट्स है वो देखकर तो मैं खुद ही सरप्राइज रह गई। तो लास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस जय हिंद जय भारत, यही मेरा नारा है। थैंक यू।
गाजियाबाद से अविनाश कश्यप की रिपोर्ट।